आज के दौर में अगर हम मुगल व ब्रिटिश काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें कि आखिर उस समय लोग अपनी गुजर कैसे करते होंगे, बड़ा कठिन प्रश्न है। फर्रुखाबाद व निकटतम जिले जैसे कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं आदि के लोकल इतिहास को जानने की कोशिश में इसका उत्तर मिला। कुछ तथ्य सामने आए जो आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार लघु व कुटीर उद्योग था। अगर हम फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली आदि निकटतम शहरों की बात करें तो कुटीर उद्योग जरदोजी ग्रामीणों की रोजी रोटी थी। जरदोजी उद्योग मूलतः एक कुटीर उद्योग है। इसमें उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल यथा रेशम, करदाना मोती, कोरा कसाब, मछली पकड़ने वाला धागा, नक्शी, मोती, चनला, जरकन नूरी, पत्तियां, शीशे, सुनहरी जंजीर इत्यादि स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हो जाता है। अतः कारचोबी के इस कार्य से व्यापार भी उत्पन्न होता था, यानी रोजगार भी उत्पन्न होता था। शाहजहांपुर में कालीन उद्योग चरम पर था, जो समय के साथ समाप्त प्रायः हो चुका है। कन्नौज में इत्र उद्योग आज भी यथावत जारी है। यहाँ भी विदेशी नई तकनीक लादने की असफल कोशिश की गई, लेकिन यहाँ व्यापारियों की सूझबूझ से यह उद्योग समाप्त होने से बच गया। कुरसहायगंज में बीड़ी उद्योग घर घर में रोजी रोटी दे रहा था। कभी फर्रुखाबाद में पीतल उद्योग चरम पर था। पीतल के बर्तन पूरे देश में भेजे जाते थे। किसी कारणवश यह उद्योग मुरादाबाद स्थानांतरण हो गया। एक अनुमान के अनुसार संपूर्ण आबादी का 40% इन लघु व कुटीर उद्योगों से अपना घर चला रहा था। अदूरदर्शिता की वजह से इन उद्योगों को मरने दिया गया। फर्रुखाबाद का छपाई उद्योग असुविधाओं के तले दिल्ली या हरियाणा चला गया। समय के साथ तकनीकी बदलाव कर व सुविधाएं प्रदान कर इन उद्योगों को बचाया जा सकता था। नतीजा आज ये शहर बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ये लघु व कुटीर उद्योग व असंगठित सेक्टर ही थे, जो हमारी जीडीपी का 3% के लगभग है। मौर्य काल में भारत की जीडीपी 50% के लगभग होती थी। इसका मूल कारण था लघु व कुटीर उद्योग। बेरोजगारी व नौकरी की समस्या से उभरने के लिए भारत जैसे विशाल देश में लघु व कुटीर उद्योगों को मौका देना होगा।